सीआईडी एक ऐसा शो है जो काफी लंबे समय तक चला है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीआईडी के अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव के बारे में। इनकी लाइव स्टोरी और बायोग्राफी देखकर आप भी खुद चौंक जाएंगे कि आखिर इन्होंने कितनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभिजीत का रियल नेम आदित्य श्रीवास्तव है, निकनेम आदि एंड अतुल है। अभिजीत का जन्म 21 जुलाई 1968 को अलाहाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ और 2021 के हिसाब से 53 साल के हैं। अभिजीत प्रोफेशन से एक एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और टेलीविजन प्रोड्यूसर है। अभिजीत ने अपने स्कूल की पढ़ाई MGS इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से की और इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद से। दोस्तों, अभिजीत यानी आदित्य अपने कॉलेज के टाइम पर थिएटर किया करते थे और अपनी एक्टिंग को और अच्छा करने के लिए आदित्य 1989 में दिल्ली चले गए, जहां पर ये श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर करने लगे। और इसी दौरान डायरेक्टर शेखर कपूर की नज़र आदित्य पर पड़ी और फिल्म बंडित क्यून के लिए साइन कर लिया, जिसमें आदित्य ने पुत्ती लाल का किरदार निभाया। और फिर 1995 में आदित्य मुंबई आ गए, जहां पर इन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। और फिर आदित्य ने सीरीज बायो मकेश बख्शी, रिश्ते, आहट, नया दौर, नाइन मालाबार हिल और ये शादी नहीं हो सकती सीरीज में एक अहम किरदार में दिखे हैं। और इसके बाद आदित्य ने 1998 में फिल्म सत्या में काम किया, जिसमें इन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, जिसे देखते हुए सीआईडी के डायरेक्टर बीपी सिंह ने इन्हें सेलेक्ट कर लिया सीआईडी के लिए। और फिर 1999 से 2018 तक यानी लगभग 19 साल तक आदित्य ने सीआईडी में काम किया और फिर इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्होंने लगातार कई सीरीज में काम किया, जैसे कि अदालत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और CIF में। और मैं आपको बता दूं, आदित्य ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर कई फिल्मों में काम किया है और उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं दिल से, साथिया, ब्लैक फ्राइडे, दीवार, एक हसीना थी, सुपर 30 और रात अकेली में काम किया है। और 2006 में इन्होंने अपनी पहली तमिल फिल्म की नलाई। दोस्तों, आदित्य यानी अभिजीत उन एक्टर्स में से शामिल है जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने बिना कट लिए हुए लंबे समय तक शूटिंग की थी और ये सीआईडी के द इनहेरिटेंस एपिसोड में हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आदित्य श्रीवास्तव यानी के अभिजीत आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको अभिजीत की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है DN श्रीवास्तव और इनकी मदर को जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और इनका एक भाई भी है जिनका नाम है आशुतोष श्रीवास्तव और ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वहीं बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम है मानसी श्रीवास्तव और इन दोनों की दो बेटी भी है जिनका नाम है आरुषि श्रीवास्तव और दूसरी बेटी का नाम है आदित्य श्रीवास्तव। बात करें इनके हाउस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदित्य श्रीवास्तव यानी अभिजीत का घर मुंबई महाराष्ट्र में है। इनका एक अपार्टमेंट है मुंबई महाराष्ट्र में, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और यह यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार है ऑडी Q3 जिसकी कीमत है 33 लाख रुपीस, और इसके अलावा इनके पास कार है टोयोटो फॉर्चूनर जिसकी कीमत है 35 लाख रुपीस। बात करें अभिजीत के इनकम के बारे में कि आखिर अभिजीत एक एपिसोड करने के लिए कितने रुपए लेते हैं, तो ये एक एपिसोड करने के लिए लेते हैं लगभग 1 लाख रुपए, और इसके अलावा ये एक मूवी में काम करने के लिए लेते हैं 50 लाख रुपए, और ज़्यादातर इनकी इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है जिसके लिए ये चार्ज करते हैं 2 लाख रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में कि इनका नेटवर्थ कितना है, तो इनका नेटवर्थ है दोस्तों 30 करोड़ रुपए। तो ये थी आदित्य श्रीवास्तव यानी अभिजीत की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।